डीपीएस रांची में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कैरियर एंड कॉलेज काउंसलिंग का आयोजन किया गया। दरअसल आईसी तीन स्टूडेंट्स को एक मंच देता है जहां वे स्कूल के प्रिंसिपल, टीचर और काउंसलर से सीधे बात कर अपनी क्षमता और रुचि के अनुरूप सही कैरियर विकल्प चुनने में मदद ले सकते हैं। रांची के डीपीएस स्कूल में इंटरनेशनल कैरियर एंड कॉलेज काउंसलिंग कॉन्फ्रेंस यानी ICE3 2019 का आयोजन किया गया है। इस मौके पर झारखंड के CBSE स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर्स भाग ले रहे हैं। इंटरनेशनल करियर एंड कॉलेज काउंसलिंग के फाउंडर चेयरमैन गणेश कोहली भी कार्यक्रम में मौजूद हैं। ICE3 कॉन्फ्रेंस का मुख्य मकसद CBSE स्कूल के प्रिंसिपल और शिक्षकों को ये बताना है कि बच्चों को कैसे पढ़ाएं। इस कार्यक्रम के अनुसार शिक्षक बदलते डिजिटल युग में बच्चों को कैसे बेहतर नागरिक बनाएं, बच्चों को कम समय में बेहतर कैसे पढ़ाई हो और उनके मानसिक क्षमता को कैसे बढ़ाया जाए, इन तमाम चीजों को लेकर टिप्स दिए गए। करियर काउंसलिंग उसे कहते हैं ICE3, और ICE3 के द्वारा टीचर्स का और प्रिंसिपल्स का वर्कशॉप CBSE के बैनर तले किया जाता है। चैलेंजेज है जो बच्चे बदल रहे हैं, समाज बदल रहा है, कंप्यूटर का, IT का इतना इन्वॉल्वमेंट हो गया है, ऐसे समय में हम बच्चों को कैसे गाइड कर सकें उनके अच्छे करियर के लिए। इस कार्यक्रम में भारत के साथ साथ विदेश के भी कई कॉलेज के प्रतिनिधि शामिल हुए। झारखंड के कई जिलों से CBSE स्कूल के शिक्षक और उनके प्रतिनिधि इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होकर कई नई चीजों की जानकारी ली। इसका फायदा शिक्षकों के साथ साथ बच्चों को भी होगा। अरे बच्चे जो हैं स्कूल में गणित और भाषाएं तो पढ़ रहे हैं, लेकिन उनको जो दिशा देने का काम है, उनको कहाँ जाना है, आगे क्या करना है, ये बहुत जरूरी है उनके लिए भी, उनके परिवारजनों के लिए भी। भारत में प्रत्येक वर्ष स्कूली शिक्षा में कई परिवर्तन होते हैं। अब आने वाले समय में नई शिक्षा नीति आने जा रही है और CBSE विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को लेकर इस तरह के कॉन्फ्रेंस के आयोजन से जहां शिक्षकों को फायदा होगा, वहीं स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी लाभान्वित होंगे। रांची से न्यूज 11 भारत के लिए कैमरा पर्सन अविदास के साथ अंजनी की रिपोर्ट। तो मेरे साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आगे देखिए विशेष सहयोगी आसिया के साथ।